पिछले 2 दिन से ना शाहरुख ऐसे डर के बैठा हुआ क्योंकि हम लोग के विंडो में से हेलीकॉप्टर की इतनी भयंकर आवाज आ रही है। पिछले 2 दिनों से हेलीकॉप्टर सिर्फ घूम ही रही है और नॉर्मल हेलीकॉप्टर नहीं, एक आवाज तो ऐसी आ गई कि जेट गिर गई है कहीं या जेट ने कैसे बॉम्ब डाल दिया। इतनी जोर से आवाज आई थी पूरा हम लोग का घर धरती पर, शायद सब हिल गया रहेगा। ये जो बेचारे लोग यहाँ पर रहते ना शायद वो लोग भी डर गए रहेंगे। अभी भी मैं देख रही हूँ ना ऊपर से ऐसे हेलीकॉप्टर्स जा रही है, नॉर्मल हेलीकॉप्टर नहीं है ये, ऐसी हेलीकॉप्टर है जो देखने को अपने को मिलती नहीं है। जेट जा रही है भाई, जेट भाई। वेलकम बैक टू माई चैनल राइट एंगल विशाखा। शाहरुख की हालत पिछले 2 दिन से ऐसी है और नेक्स्ट 3 दिन ये ऐसे ही रहने वाला है। पूरा जो है घर हम लोग ने साउंड प्रूफ कर दिया है, वैसे साउंड प्रूफ है नहीं बट सारे दरवाजे खिड़की की सब बंद कर दिया है एंड यहाँ पर तैयारी चालू हो गई है। ये वाले भी खिड़की पैक। थोड़ा गूगल में रिसर्च करने के बाद मालूम पड़ा IAF मतलब इंडियन एयर फोर्स है वो कंडक्ट करने वाली एरियल डिस्प्ले, वो भी मुंबई में। तो इसकी प्रैक्टिस चल रही थी पिछले 2 दिन से और ये आज है, दैट इज 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी। तो 3 दिन है ये, टुडे इज द फर्स्ट डे। आज क्या है ना फ्राइडे, ज्यादा गर्दी होनी नहीं चाहिए एंड कल परसों बहुत ज्यादा गर्दी होगा एंड आफ्टर सीइंग माय वीडियो आल्सो तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि जाना चाहिए वहां पर देखने के लिए। इसलिए पहले मैं अभी भाग के चले जा रही हूँ वहां पर। M6 स्क्वाड 8 इज रवाजली राइट नाउ एंड ये शुरू होने वाला है एग्जैक्ट 12 बजे। स्किल्स टेस्ट होने वाले हैं मेरा आज पार्किंग लॉट में से निकालने का। पूरा वजन मेरे ऊपर डालना है और फिर पैर क्रॉस करके बैठना है। तो मैं मम्मी को भी लेके जा रही हूँ तो दिखाने के लिए। थोड़ा आगे होके ही बैठना ताकि टॉप बॉक्स से कोई लगे नहीं पीछे। तो ये जो इंडियन एयरफोर्स है ना, इन्होंने ये एरियल डिस्प्ले इसलिए ऑर्गेनाइज किया था मुंबई में क्योंकि ये एक आउटरीच प्रोग्राम है और ये कोऑर्डिनेशन अपने जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है ना उसके साथ करके किया हुआ है एंड टुडे इज द फर्स्ट डे। आउटरीच प्रोग्राम का जो प्राइमरी एम है वो है कि फर्स्टली इज क्रिएटिंग अवेयरनेस। तो इंडियन एयरफोर्स है अपनी आम जनता को ये बताना चाह रही करके वेन एवर दे आर नीडेड वी आर हियर एंड एक तरीके का डीपर कनेक्शन बिल्ड कर रही है आसमान में प्रदर्शन। एरियल डिस्प्ले जो अपने इंडियन एयरफोर्स करने वाली है वो पूरा मरीन ड्राइव वाली एरिया पे करने वाली है एंड 12 बजे होने वाला है। इट इज़ 11:45 राइट नाउ, 15 मिनट है। जल्दी इसलिए जा रही हूँ क्योंकि पार्किंग करने को भी जगह चाहिए ना अपने को। चलो भाई लोग। तो मम्मी जब बैठती तब 30-40 के ऊपर वैसे गाड़ी जाती नहीं है मेरी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है सेफ पार्किंग। टॉप बॉक्स मैंने गाड़ी पे लगा दिया है, हेलमेट पकड़ने का ऐसा लफड़ा नहीं मांगता अपने को। बंद तो नहीं कर दिया आगे का, ऐसा न्यूज़ में आया हुआ है कि पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलने वाली है और रोड्स भी ब्लॉक करने वाले हैं मरीन ड्राइव का। अभी असल खबर अपन जाके तुमको देता है। हाय हाय, सिग्नल से लोग जा तो रहे, राइट भी जा रहे और लेफ्ट भी जा रहे। सब्सक्राइबर्स स्क्वाड RGV, वेरी गुड। ए चेयर वेयर लगाए हुए मम्मी, चेयर लगाए हुए, देख सामने देख, सही है ना। नहीं अपन आम जनता के लिए, अभी अपने को पार्किंग करना पड़ेगा बट गाड़ियों का फटाफट। बिल्डिंग के छाव में मम्मी को बैठना है। देख चेयर लगा रहे, देख सब लोग है ना। हाँ। ये क्योंकि ये आम जनता के लिए कर रहे हैं लोग, बट अपन गाड़ी पार्क करने की भी जगह है यहाँ पर। ये बाइक अच्छा हो गया हम लोगों ने कार नहीं लाए, बाइक ही लाए, तो बाइक क्या कहीं भी पार्क कर सकते हैं। गाड़ी पार्क करने के बहुत लफड़ी है। मम्मी बोल रही इधर छावे VIP लोगों के लिए। हाँ हाँ, पहला गाड़ी पार्क करेंगे। मरीन ड्राइव के पास हो रहा है ना, मतलब ये पूरा स्ट्रेच होने वाला है वहाँ तक के। अच्छा ऊपर बैठने नहीं बोल रहे वो लोग, एक एक चेयर लेके बैठने का है। रुद्रा को सेफली पार्क कर दिया, मम्मी पहले ही भाग गई है वहाँ पर चेयर लेने के लिए। मम्मी बोल रही उसको छाव में बैठने का है तो इसलिए पहले चेयर लेने के लिए रनिंग सीधा। बहुत बढ़िया, ये देखो ये सीट है। अच्छा हम लोग को ना ऊपर बैठने नहीं दे रहे, मतलब यहाँ पर यू कैन नॉट सिट क्योंकि कोई भी पैनिक हो के एक्साइटमेंट में या सेल्फी लेते थे हो सकता है कि नीचे गिर जाए। भागी मम्मी मालूम है मेरे को आगे बैठने का, आगे बैठने का, और आई चेयर निकालने का चेयर ही नहीं निकल रही है। ऐसे तो अपने विंडो से दिखता है बट इतना क्लियर नहीं दिखेगा ये जो चीज है। लुक एट दिस, 7 मिनट्स स्टार्ट होने को है। अरे तुम लोग को बताइए, देखो सब लोग
अपनी अपनी चेयर पकड़ के सब लोग बैठ गए। एंड द गुड पार्ट इज यहाँ पर चेयर्स दिया हुआ है। इमेजिन अगर चेयर नहीं होता तो कितनी गर्दी होती, कितना धक्का मुक्की होती। इट इज़ वेल ऑर्गेनाइज, वेल ऑर्गेनाइज। एंड सब लोग यहीं पर बैठे रहते हैं और लोग बहुत खुश हैं, खुश और एक्साइटेड। सारे एज ग्रुप है यहाँ पर, आंटी से लेकर बुड्ढी आंटी, छोटी बड़ी, एवरीबडी इज देयर। सो सबसे पहली टीम जो पैराशूट ड्रॉप की, दैट इज आकाश गंगा टीम। ये जो आ रही है पैराशूट से नीचे, दैट्स द टीम। वैसे लग रहा था, देखो पहले एक नॉर्मल ना एरोप्लेन गई, वो गई हम लोग से भंसने के लग गया। अरे एरोप्लेन का शो नहीं है ये, जेट और ना एयरक्राफ्ट से ऐसे नज़दीक से होने वाला ये चीज़। बट वो सेम एयरक्राफ्ट से लैंड किए जिस आकाश गंगा टीम पैराशूट से। वो बीच में कहाँ गए कुछ समझ में नहीं है, कहाँ जा रहे हो, देखो दूर दूर है एकदम, इट्स इन द स्काई, कांट सी। अभी जस्ट एक पांच एयरक्राफ्ट गए ऊपर से ज़ूम करके। सबसे पहले जो टीम जा रही है, दैट इज कैट सूर्य किरण एरोबैटिक डिस्प्ले टीम। ये पांच एरोबैटिक्स जो कर रहे हैं वो ऊपर एरियल एक्टिविटी। बताया था एक घंटा, एग्जैक्ट एक घंटा ये जो था पूरा ऊपर प्रदर्शन, ये जो ऊपर पूरा एरोबैटिक डिस्प्ले ये लोग कर रहे थे, इट्स हैट्स ऑफ कमेंडेबल मतलब। और जो हार्ट स्पेशली ऊपर बनाया था ये तो मुझे पता है कि अपन पेन एंड पेपर भी आकर देख रही तो वी कैन नॉट एक्चुअली ड्रॉ इट नाइसली, बट इतना परफेक्शन के साथ ये लोग ने बनाया, वो भी ऊपर हव में। एंड इट्स नॉट जस्ट हार्ट, ये लोग ने हार्ट के बीच में से सब वो भी गया है, लाइन भी क्रॉस करके बनाई, मज़ा आ गया। बाय द वे जो जो चीज़ें हमने
ऊपर देखा है वो मुझे मिल गया है। एक तो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर लिया था, दैट वाज सूर्य किरण एरोबैटिक डिस्प्ले टीम जो कि स्कैट थे। दूसरा था सारंग जो हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम थी वो गो था। और एक जो थी वो थी SU-30 टीम जो कि आकाश गंगा टीम थी, C-130 टीम जो ऊपर से पैराशूट गिराई थी। तो ये सारी चीज़ें ऊपर थे, प्लस जो सबसे भारी वाला था ना वो एकदम बड़ा वाला हेलीकॉप्टर। सो क्या बोलते हैं अभी तक समझ में नहीं आया, ग्रीन कलर अगर आप लोग को पता है तो प्लीज़ यू कमेंट ना, वो ग्रे कलर फाइटर प्लेन थी, मम्मी को पता है फाइटर प्लेन जैसी कुछ थी जिसमें से हार्ट फेल अटैक अपनी बिल्डिंग हिल गई जब कल जब जा रहे थे जब वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे ना अपनी बिल्डिंग के ऊपर से। सुबह परसों से चल, दो दिन से चल रहा है, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक जब ये लोग जाते हैं ना अपनी पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। और जब ये फाइटर प्लेन जाती है ना खत्म, मैं हिल गई और अपनी अभी हम लोग को भाग के देखना पड़ेगा शैडो क्या कर रहा है, क्योंकि इनकम टुमारो ऑल्सो डे आफ्टर ये फ्राइडे सैटरडे संडे 12, 13 एंड 14 को इट्स राइट एग्जैक्टली एट मरीन ड्राइव। हम लोग जो बैठे थे वो ट्राइडेंट के सामने बैठे थे, यहाँ पर अब पूरा खाली हो गया है, ये पूरा मरीन ड्राइव तक वहाँ तक है। बट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट स्पॉट, इज डेफिनेटली द बेस्ट स्पॉट ट्राइडेंट के सामने, क्योंकि धूप भी बहुत लेट आई है। पहले जो लोग बैठे थे ना पूरा धूप में बैठे थे। बस खत्म हो रहा है, लेट्स गो अभी। कम Please subscribe my favorite YouTuber. Subscribe and thank you. Bharat Mata Ki Jai. And we need a squad RGVs. Wow, mummy ko koi kaise baithne ka. Ready? All the police officers, everybody who made this happen, thank you so much. Bye bye, Squad RGV. We met a lot of people. हम लोग सोचे कि कल भी आए यहाँ पर, कल शायद ब्लॉग नहीं करेंगे बट हो सकते सिर्फ देखने के लिए, क्योंकि बहुत मजा है देखने के लिए। इट इज सी इफ यू गाइज आर इन मुंबई ना तो ये चांस मिस नहीं करना चाहिए, आई वुड से दिस, क्योंकि जो मेरे बाजू में बैठे थे ना वो लोग साउथ से आए थे। अब पता नहीं स्पेशली यही देखने को आए थे क्या, बट Yeah, it was so beautiful. And पता है मैंने ना आधा चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की बिकॉज आँख से देखते ना दैट इज़ डिफरेंट एंड जो कैमरा में रिकॉर्ड करते करते देखते ना वो बहुत अलग होता है। तुम लोग भी ज़्यादा सोचो मत, फटफट गाड़ी उठाओ यहाँ पर पहुँच जाओ। पार्किंग भी है, कार की भी है, बाइक की भी, अगर नहीं मिला तो कोई भी गली कोपचे में ऐसा पे एंड पार्क मिल जाता है। बाइक के लिए तो ईजी था। अच्छा ये जो चीज़ है ना करने के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन, पता नहीं कितने महीनों की प्रैक्टिस ये लोग कर रहे गए। परफेक्ट है वो लोग, ना ही 1 इंच उधर ना ही 1 इंच इधर, मतलब अगर 3 वो जा भी रही है कॉप्टर्स तो उसके बीच में जो चौथी वाली जा रही जो रिंग बना रही वो भी एकदम एग्जैक्टली कोऑर्डिनेटेड इसमें जा रही थी। 12 बजे की धूप में भी थे ना अपन ने, देख रुद्रा जैसे कोई बाइक नहीं है, कितना कंफर्ट लग रहा है पता है चलाने के लिए मेरे को। और पीछे टॉप बॉक्स लगा दिए तो पूरा संसार भी आ सकता है मेरे टॉप बॉक्स में, ऐसा है। घर पहुँच गए, आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टिल देन कीप कम एंड गिव अ टॉक मोर पार्ट टू अस, ये मिस मत करना, जरूर से आना देखने के लिए। बाय। जाने का 30 रुपये, आने का 30 रुपये हुआ, पैसे दिखा। ए चूरन पावटिया लेफ्ट में जाके कौन ऐसा राइट मारता है उसको पता नहीं, मेरी माँ पीछे बैठी हुई।